नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँ इस कुछ कंपनीज के अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो है तेजस नेटवर्क। आप सभी जानते हैं एक तेजस नेटवर्क जो है वो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, और इस कंपनी के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था और कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे, सर क्या इस कंपनी के ऊपर क्या करूँ, इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए, क्या इसके ऊपर बाई करना चाहिए, क्या एग्जिट करना चाहिए। देखिए, होल्ड करना, बाई करना, एग्जिट करना, ये टोटली आपके डिसीजन होना चाहिए। मेरा काम है कंपनी की इन्फॉर्मेशन दिखाना। इन्फॉर्मेशन देखकर आपको अगर लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे पेशेंट के साथ बने रहना है तो आप जरूर करिए, क्योंकि मेरा काम कोई टिप्स नहीं देना है कि आपको मैं टिप्स दे दूँ कि कल जाके बाई कर लीजिए, परसों जाके बेच दीजिए। ऐसे में टिप्स किसी को नहीं देता मैं। आपको कोई लेवल्स दिखाता हूँ, कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है तो उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। जो लेवल्स देखकर आपको खुद पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी में पहले भी इस तरीके से टेक्निकली चार्ट दूसरे कंपनीज के ऊपर अप्लाई करने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था, तो यहाँ पे भी मिलने का चांसेस है। कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न 100% श्योर नहीं होता कि वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न 100% आपको प्रॉफिट देगा ही, करके आपको लॉस लेने का भी जो लेवल्स है उस लेवल्स में आपको लॉस लेने का भी कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो देखिए, कंपनीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी 13,200 करोड़ के आसपास है। सबसे पहले इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी इट डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चरिंग हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्क प्रोडक्ट्स दैट यूज टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड। मतलब टेली कम्युनिकेशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं, और वो भी देखिए गवर्नमेंट एंड डिफेंस नेटवर्क सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे एक्चुअली जो मार्केट कैप है इसका, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 13,200 करोड़ के आसपास, और कंपनी का ROC ROE दोनों ही अभी नेगेटिव में है। तो इस बात को भूलना नहीं है कि कंपनी में मार्केट कैप अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट भी देखिए नेट प्रॉफिट क्या है, नेगेटिव में है। कर्जा कम है, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रोनोटा के पास होल्डिंग्स भी ठीक है। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे गड़बड़ी हुआ वो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ। देखिए, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट भी इस बार पब्लिश किया। देखिए, सेल्स के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी सेल्स बहुत शानदार किया। ऐसे नहीं कि सेल्स कम हो रहा है, सेल्स देखिए पिछले सालों के तुलना से में कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ। मगर कंपनी में गड़बड़ी कहाँ पे है, कंपनी के एक्सपेंस। तो देखिए, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक्सपेंस कहाँ पे होते हैं कंपनी का, देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेटेरियल कॉस्ट में एक्सपेंस होता है। मेटेरियल कॉस्ट में सबसे ज्यादा एक्सपेंस होने के पीछे कारण है कंपनी के जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को मतलब तैयार करने में, उसको मतलब सर्विसेज देने में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लग जाते हैं। तो एम्प्लॉय का भी कॉस्ट है, क्योंकि इस तरीके से काम करने के लिए बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज का जरूरत होता है, तो एम्प्लॉय का भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इस कॉस्टिंग ज्यादा होने के कारण कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला गया, और इस बार पिछले सालों की तुलना से कंपनी करीबन 5 टाइम्स लॉसेस को ज्यादा किया। तो कंपनी देखिए सॉरी 4 टाइम्स लॉसेस को ज्यादा किया, तो 26 करोड़ के आसपास लॉसेस किया, जो पिछले बार 7 करोड़ के आसपास लॉसेस था। पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ के आसपास लॉसेस था। तो अभी भी ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि इसे लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर क्या करना है। सिंपल सा बात है कि लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर एज ए आप इन्वेस्टर के हिसाब से सोच रहे हैं तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से गलत है, क्योंकि इन्वेस्टर के हिसाब से तब उसको तब कंपनी को सोचना चाहिए जब कंपनी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सब कुछ मतलब आउट ऑफ 10 अराउंड 8 मतलब 8 जो रैंक है वो होना चाहिए। 8% अगर कंपनी में सही चल रहा है, 2% अगर ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो ठीक ठाक है, बाकी आपका जो डिसीजन है उस बेसिस में काम करिए। कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, और साथ ही साथ कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज, आपको बहुत शानदार दिखेगा। तो देखिए, यही ऑपरेटर का गेम होते हैं कि ऑपरेटर आपको यही समझा कर ऊपर लेके जा रहे हैं कि कंपनी बहुत तगड़ा बनेगा, बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा, अच्छा खासा रिटर्न भी दे चुके हैं, और यही देखकर रिटेल पब्लिक फंस जाते हैं। रिटेल पब्लिक बाकी चीज़ों को नहीं देखते, जैसे कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व तो इंक्रीज हुआ, बोरिंग्स भी कम हुआ, कंपनी का फिक्स एसेट जो है वो इस बार देखिए इंक्रीजिंग थोड़ा थोड़ा करके हुआ, और कंपनी का कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में 156 करोड़ के आसपास, 154 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी क्या किया यहाँ पे लगा के रखा।
CWIP में पैसा लगा के रखा है। तो मेरे हिसाब से कंपनीज के ऊपर जो मतलब यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स है, तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है 55% के आसपास, और FIs के पास भी होल्डिंग्स कितना है 10%, DS के पास 3% और पब्लिक के पास 29%। तो देखिए प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं था, तो प्रोमोटर ने खरीदारी की है। किसने खरीदारी की आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड है वो टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो उन्होंने ही इसका होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। तो देखिए कंपनी में आज फिलहाल के लिए शायद कुछ परफॉर्मेंस वीकनेस देखने को मिला है, फ्यूचर में एक बड़ा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी किस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है वो सेक्टर एज ए टेली कम्युनिकेशन, साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है जिसका डिमांड फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और एक शानदार सा टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है जो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है, और इस पैटर्न को कंपनी ने क्या किया यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया, और ब्रेकआउट कहाँ पे किया आप देखेंगे तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे कन्फर्मेशन भी है, तो एक रिट्रेसमेंट हुआ है कंपनी के एक सस्ते दामों में मिलने के लिए। तो मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलेगा, और 32% का गेन यहाँ पे मिल सकते हैं अगर मैं टोटल कप के साइज में मार्किंग करके रखूँ तो। ओवरऑल बात करूँ कंपनीज के ऊपर फोकस रखिए, और कुछ ट्रेड लेने से पहले इसके ऊपर जरूर रिसर्च करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अल्काइल अमीन्स लिमिटेड। तो अल्काइल अमीन्स लिमिटेड जो है वो ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी मुझे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है फिर भी इस कंपनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। कंपनी आप देखेंगे तो पी रेशियो 53 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 है। कंपनी का प्रीवियस पी रेशियो क्या था वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रीवियस पी रेशियो था 75 के आसपास, वहाँ से गिर के हो चुके हैं 50 के आसपास, तो पी रेशियो एक करेक्शन में है। और उस हिसाब से आप देखेंगे तो मार्केट कैप टू सेल्स सॉरी मार्केट कैप 12,300 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो हाई है, ROC ROE भी देखे तो एक पॉजिटिव में देखने को मिला है, और कंपनीज के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 के आसपास है। तो कंपनीज के एनुअली इनकम भी शानदार है, हाथ में कर्जा एकदम ना के बराबर है, और हाँ प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। प्रोमोटर जानते हैं इस कंपनी में फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने का चांसेस है। तो रही बात कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट, उसके बारे में अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया, ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ यहाँ पे बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी में अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, और उसके हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। कंपनी धमाका आपको परफॉर्मेंस भी दिया, 10 साल 5 साल 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जेनरेट करके दिया। 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बाकी सारे परसेंटेज आपको अच्छा खासा दिया है। तो कंपनीज के बैलेंस शीट में एक चीज़ आपको दिखेगा, कंपनी ने अच्छा खासा CWIP को बढ़ाया। इस बार कंपनी 350 करोड़ के आसपास पैसे को कंपनी प्रोसेसिंग में लगाया, इसका मतलब वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली आपको कहाँ पे दिखेगा, फिक्स एसेट में। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में कंपनी का फिक्स एसेट 1,000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो ये एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से देखने को मिला है, तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। FIs और DS भी छोटा छोटा करके होल्डिंग्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, बाकी पब्लिक और प्रोमोटर के पास भी सबसे ज्यादा होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न लगातार लगातार करेक्शन हुआ, और करेक्शन होने के बाद वही रेंज में आकर अटक चुके हैं जो रेंज कंपनी के लिए प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था। तो देखिए लॉन्ग जाने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद देखिए बड़ा रैली, तो फिर से देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेल ऑफ हो रहा था। अगर मैं इस कंपनी के एक चार्ट पैटर्न के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँ तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हुआ सेल ऑफ हुआ, और सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या किया कंपनी ने इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद मैं हमेशा इंतजार करता हूँ रिट्रेसमेंट करने का, रिट्रेसमेंट होने के बाद कोई भी अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखे तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा 3045 के आसपास, तो मैं शॉर्ट टारगेट लेकर भी चल रहा हूँ। तो उस तरीके से आपको टारगेट पाना है, इस तरीके से आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ ये टोटली वीडियो एडुकेशन पर्पज़ में है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको लेवल्स दिखा रहा हूँ इसका मतलब आपको मैं बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मेरा कोई भी अटेंशन नहीं है किसी को बाय करने के लिए बोलने के लिए,
क्योंकि मैं कोई भी टिप्स नहीं देता, तो मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम है एडुकेशन पर्पस में सारी जानकारी देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डीमार्ट। तो डीमार्ट इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है, आप सभी जानते हैं। डीमार्ट के बारे में चर्चा करूँ तो डीमार्ट एक ऐसा कंपनी है जिसके बारे में हर किसी को पता है। डीमार्ट रिटेल बिजनेस में खुद का नाम सबसे पहले रख चुके हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप 2,40,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी में हर पैरामीटर के हिसाब से बेस्ट लगेगा, चाहे वो आरओसी आरओई हो, चाहे वो कंपनी का कर्जा हो, जीरो डेप कंपनी का कर्जा है, एनुअली इनकम भी ना के बराबर है, सॉरी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है और डेप्थ ना के बराबर है, प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी एकदम बेस्ट लेवल में है, और कंपनी के जो वीकनेस है वो है पी रेशियो। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 300 के ऊपर चला गया था, वैसे कंपनी 100 तक लेके आया, जिसका मतलब जो करेक्शन हुआ वो करेक्शन पी रेशियो वहाँ पे कम हुआ। तो मेरे हिसाब से क्या और भी करेक्शन हो सकते हैं? देखिए, होने का तो बहुत कुछ हो सकते हैं, अभी आपको ये देखना है कि आपका इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है। देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही निवेश करके रखा हूँ एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, और कभी कोई स्विंग ट्रेडिंग भी मिलता है तो उसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर जितने करेक्शन होता है उतना ही मैं माल उठा कर रहता हूँ। तो छोटा सा करेक्शन होने के बाद भी मैंने होल्डिंग्स इंक्रीज किया, तो और भी अगर गिरेगा तो भी होल्डिंग इंक्रीज करूंगा, क्योंकि जिस कंपनी में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और जो कंपनी कंटिन्यूसली कैपेक्स को बढ़ा रहा है, और जिस कंपनी का रेशियोज देखेंगे तो सिर्फ एक दिन में हाथ में पैसा आ रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकते हैं? कंपनी के इन्वेंटरी के डेज जो है 33 डेज है, मतलब प्रोडक्ट आने तक कंपनी के 33 डेज लगता है, और कंपनी एक दिन का पास पास कंपनी हाथ में पैसा आ रहा है, और वो पैसा जिसको ड्यू था, मतलब जिससे उन्होंने माल खरीदारी किए हैं, उसको भी देखिए फटाफट माल यहाँ पे मतलब पैसा यहाँ पे दे दिया। इसका मतलब कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को लेकर कंपनी चल रहा है। तो कंपनी के देखिए प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स अच्छा खासा है, FIs के पास भी होल्डिंग्स है, DS के पास भी होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है, सारे पैरामीटर्स के हिसाब से एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी में एक शानदार परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना था, यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था, और मैंने आपको मेंशन किया था कि यहाँ पे एंट्री लेवल बनेगा और टारगेट यहाँ तक हो सकता है, तो इजीली यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो उसके बाद देखिए एक बिग क्रैश, मतलब एक प्रॉफिट अच्छा खासा बुकिंग हुआ। तो मैं फिर से इंतजार कर रहा हूँ, कोई भी लेवल्स बने तब मैं ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अगर मैं लेवल्स के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग शोल्डर बना, और इसको आप बिग एक हैंड हेड बोल सकते हैं, और यहाँ पे एक फिर से अगर कोई शोल्डर क्रिएट हुआ तो बड़ा सा एक टारगेट मिल सकता है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ है वो पैटर्न्स को कम्पीट होने होने दीजिए, उसके बाद कोई भी अगर लेवल्स क्रिएट हुआ तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, लास्ट जो कंपनी जिसका नाम है शारदा इन एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, तो शारदा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड जो एक देखा जाए तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जो अपडेट है कंपनी का स्प्लिट का। तो कंपनी 4 अगस्त में इसका स्प्लिट देने वाला है, और वो भी एक के बदले 10 शेयर कंपनी आपको देने वाला है। तो इस शेयर पाने के लिए कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।